हेलो गाइस, वेलकम टू ईवी ऑटो। और आज बात होगी गुड ऑडियो सेटअप के ऊपर। आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरा प्रोसेस कि आपको अपनी कार में एक अच्छा ऑडियो अपग्रेड कैसे करवाना है। देखिए, आज से ठीक 4 दिन या 5 दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था Top 7 एंड्रॉयड कार स्टीरियो, जिसमें ब्लॉपंग भी शामिल था, निप्पॉन भी शामिल था और भी बड़े ब्रांड शामिल थे। और इन सारे ब्रांड के स्टीरियोज को मैंने आपको दिखाया था, पूरा रिव्यू करके नंबर वाइज आपको दिखाया था। अब उस वीडियो को पोस्ट करने के बाद एक नया टॉपिक जो मुझे बार बार लोग कमेंट करके पूछते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो गया, चाहे फेसबुक में हो गया, चाहे यूट्यूब में हो गया, कि सर कार के अंदर एक अच्छा ऑडियो अपग्रेड कैसे कराएं, और ऐसा ऑडियो अपग्रेड बताइए जो हमारे बजट में भी आ जाए। देखिए, आज इसी चीज को हम बारीकी से समझने वाले हैं कि आपको अपने कार के अंदर कैसे एक अच्छा ऑडियो अपग्रेड कराना है, स्पीकर कौन से होंगे, प्लेयर कौन से होंगे, वायर का क्या कंडीशन होना चाहिए, और कैसे आपको एक अच्छा सेटअप, स्पीकर प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको अपनी कार में इंस्टॉल करवाना है। देखिए, अगर आप इस वीडियो को इसलिए देखने आए हैं कि इसमें अगर मैं आपको ऑडिशन दिखाने वाला हूँ, फोकैल के सिस्टम दिखाने वाला हूँ, कीकर के सिस्टम दिखाने वाला हूँ, ऑडिटर के सिस्टम दिखाने वाला हूँ, या बड़े बड़े हाईएस्ट सिस्टम दिखाने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, आप इसे मत देखें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक फंडा जो है साउंड सिस्टम का, वो क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आपने उसे समझ लिया तो आप ऑडिटर का भी सिस्टम डलवा सकते हो, फोकैल का भी सिस्टम डलवा सकते हो, बड़े बड़े जितने भी हाईएस्ट ऑडियो सिस्टम जो आते हैं उसे भी इंस्टॉल करवा सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो जो है नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एक गुड ऑडियो होता क्या है, क्या होता है एक गुड ऑडियो सेटअप एक कार के अंदर में। देखिए, आज 12 साल मुझे भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज पर काम करते हो गए, और इस 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 6-6 लाख रुपए के सिस्टम अपने कार में इंस्टॉल करवाते हैं। कुछ ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो 6 लाख रुपए अपनी कार में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, लगा तो सकते हैं, बट वो लगाते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको एक नॉर्मल और एक अच्छा साउंड चाहिए रहता है अपनी कार के अंदर, जिसमें क्लैरिटी हो, जिसमें टोन समझ में आए, और एक मिड वॉल्यूम में चीज़ें अच्छे से काम करें। देखिए, स्पीकर वगैरह इंस्टॉल करवाने से पहले आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आपकी कार में जो इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, तो देखिए आज हमारे पास यहाँ पर 2 एंड्रॉयड स्टीरियो हैं। एक है जमाइका 990 10.33, एंड जो सेकेंड है वो है FT लाउड्राडेल 900, जो कि है ब्लॉपंग का। ब्लॉपंग के बारे में मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको मालूम नहीं है तो एक बार गूगल करके देखना ब्लॉपंग कितना बड़ा ब्रांड है। तो ये जो दोनों हैं, ये दोनों स्टीरियो लेटेस्ट हैं। मैं सेंटा रोजा 985 भी है, लेकिन उसे भी रख सकता था, बट आप जमाइका 990 के अंदर का जो प्रोसेसर है और सेंटा रोजा 985 के अंदर का जो प्रोसेसर है लगभग आई थिंक सेम है, इसलिए मैंने जमाइका 990 को यहाँ पर रखा हुआ है, एंड नीचे है FLD 900। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपके कार के अंदर जिस भी ब्रांड का इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ है, या फिर एंड्रॉयड स्टीरियो लगा हुआ है, चाहे वो बाय द फैक्ट्री हो या फिर वो आफ्टर मार्केट हो, आप उसमें ये चेक कीजिए कि उसका जो स्पीकर आउटपुट है वो कितना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास है जमाइका 990 10.33, इसका जो स्पीकर आउटपुट है वो है 4x50W का। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जमाइका 990 हर एक स्पीकर को, कार के अंदर जो 4 स्पीकर होते हैं, हर एक स्पीकर को 50W का जो है पावर वो दे सकता है। और जो FLD है उसमें भी 4x50W का ही आउटपुट है स्पीकर का। तो अगर आप अपनी कार में 4 स्पीकर इंस्टॉल करवाते हैं तो ये जो दोनों प्लेयर हैं, ये हर एक स्पीकर को 50-50W का जो है पावर देंगे। और अब बात कर लेते हैं स्पीकर की।
तो यहां पर आज हमारे पास है स्पीकर में JBL का कोएक्सल स्पीकर। अगर आप आफ्टर मार्केट किसी भी शॉप में जाते हैं और अगर आप बगैर सोचे समझे कि JBL का स्पीकर लगा दो या फिर आप सोनी का लगा दो या फिर पाइनियर का स्पीकर लगा दो, क्योंकि डीलर आपको यह बताएगा कि JBL अच्छा है, JBL से जब नीचे आओगे तो सोनी है, सोनी से नीचे आओगे पाइनियर है, पाइनियर से नीचे आओगे पता नहीं कोई सा भी ब्रांड एक बता देगा, तीन चार रॉ बना देगा आपके लिए, और आप सोनी अच्छा है, मिड वाला ये है, हाई वाला ये है, काम को मीडियम रेंज वाला लगा दो बोलोगे आप। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका जो एंड्रॉयड स्टीरियो है वो हर एक स्पीकर को 4x50 यानी कि 50 वॉट का करंट देगा। तो आपको स्पीकर जो है 50 वॉट RMS वाले को लगाना है। हर एक स्पीकर में कितने वॉट का कंटिन्यू वो RMS है वो लिखा हुआ रहता है। आप जो है RMS पावर को याद रख लीजिए। जैसे कि आज हमारे पास JBL का ये वाला स्पीकर है 300 वॉट है, ये जो है इसको RMS चाहिए 45 का, मतलब एक स्पीकर को बजाने में ब्लॉपंग के स्टीरियो को देना पड़ेगा 45 वॉट का पावर, और ब्लॉपंग जो है 4x50 वॉट का पावर जो है थ्रो करेगा, उसमें आउटपुट है। तो ये स्पीकर जो है इस स्टीरियो के साथ एकदम बेस्ट है। मैं कोएक्सल की बात कर रहा हूं, अभी कंपोनेंट पर भी आएंगे और कंपोनेंट भी JBL का ही होने वाला है। तो आपको यह पहले समझना होगा कि पहले आपका जो एंड्रॉयड स्टीरियो है या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो कितने वॉट का स्पीकर आउटपुट देता है। अगर मान लो कोई स्टीरियो है जो 50 वॉट का स्पीकर आउटपुट थ्रो कर रहा है सामने, तो आपको उतने ही वॉट का या तो फिर उससे अंदर RMS वाला स्पीकर अपनी कार में इंस्टॉल करवाना होगा। अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पीक पावर देख के स्पीकर को लेते हैं। किसी में लिखा है 300 वॉट पीक पावर। पीक पावर किसी काम का नहीं है। पीक पावर का सीधा मतलब आप ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी जो है एक सीधी लाइन पर काम नहीं करती है, वो एक वेव में काम करती है। जब इंजीनियर्स ने उसे टेस्ट किया होगा तो किसी एक म्यूजिक में या फिर किसी एक टोन में उसने लास्ट ब्लास्ट जो किया है वो 300 वॉट का किया होगा, इसलिए वहां पर लिखा है 300 वॉट पीक पावर। तो पीक पावर को देख के कभी भी स्पीकर मत लेना। स्पीकर अगर लेना है तो RMS देख के आप लीजिए। तो यहां पर जो हमारे पास है JBL का कोएक्सल स्पीकर, ये है 45 वॉट RMS वाला, और ब्लॉपंग का जो स्टीरियो है एंड्रॉयड स्टीरियो FLD की मैं बात कर रहा हूँ, यह है 50 वॉट का आउटपुट देगा और 45 वॉट का स्पीकर को चाहिए आउटपुट। तो ये दोनों बेस्ट है। अब आते हैं कंपोनेंट के ऊपर। तो अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा JBL का 390 वॉट का कंपोनेंट स्पीकर। व्हाट इज कंपोनेंट स्पीकर? कोएक्सल से ज्यादा पावरफुल है कंपोनेंट स्पीकर। और वहां पर एक ट्यूटर आपको नजर आ रहा होगा, एक स्पीकर आपको नजर आ रहा होगा 6 इंच का, और एक छोटी सी डब्बी नजर आ रही है। वो जो डब्बी आपको नजर आ रही है वो समझे आप कि वो एक एम्पलीफायर है साउंड को क्लियर करने के लिए। बट कई लोग आजकल ये भी गलती कर रहे हैं कि एंड्रॉयड स्टीरियो मान लो आपने ब्लॉपंग का लगा लिया और उसमें JBL का कॉम्पोनेंट स्पीकर लगा लिया। कुछ कॉम्पोनेंट स्पीकर ऐसे हैं जो एंड्रॉयड स्टीरियो में ठीक बजते हैं, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो, कभी भी अगर आप अपनी कार में कॉम्पोनेंट स्पीकर आपने इंस्टॉल करवाया है उसको स्टीरियो से बजाने की कोशिश मत करना। क्योंकि कॉम्पोनेंट स्पीकर जो आपने लिया है, जैसे कि ये हमारे पास है, ये है 6500 रुपये वाला स्पीकर, या 5000 वाला समझिए आप, 5000 वाला स्पीकर समझिए आप। अब 5000 रुपए इन्वेस्ट करके आपने कंपोनेंट स्पीकर लिए हैं ये सोच के कि वो एक अच्छा परफॉर्मेंस हमको देगा कार के अंदर, बट यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। आपने इस स्पीकर के पीछे लगाए हैं 5000 रुपए, बट ये स्पीकर काम करेगा 2500 रुपए वाला। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोएक्सल स्पीकर को ही ब्लॉपंग का ये स्टीरियो वॉट के हिसाब से सपोर्ट कर सकता था। ये दे रहा था ब्लॉपंग 50 वॉट, JBL का कोएक्सल मंग रहा था 45 वॉट RMS। अब यहां पर जो कंपोनेंट स्पीकर है वो कोएक्सल से ज्यादा हेवी है। कंपोनेंट स्पीकर को अगर प्रॉपर तरीके से बजाना है तो आपको लगाना पड़ेगा एम्पलीफायर। अगर आपने फ्रंट दो डोर में कंपोनेंट स्पीकर लगाए हैं तो आपको जरूरत है एक 2 चैनल एम्पलीफायर की,
और अगर आपने चारों डोर में दो सेट कंपोनेंट लगाए हैं तो आपको जरूरत है एक फोर चैनल एम्पलीफायर की। मेरा ऐसा बोलने का रीजन ये है कि कोएक्सल से ज्यादा पावरफुल होता है कंपोनेंट स्पीकर, और कंपोनेंट स्पीकर अगर ज्यादा पावरफुल होगा तो ज्यादा आरएमएस वाला भी होगा। तो आप एग्जांपल से समझिए, यहाँ पर जो हमारे पास जेबीएल का स्पीकर है ये 65 वॉट का आरएमएस है मान लीजिए इसमें, तो अब इसको हमको आउटपुट देना होगा 65 वॉट का, ये 55 या 50 में नहीं चलेगा, 5-10 का फर्क चल जाएगा, कुछ लोग कुछ ज्यादा ही लगा लेते हैं। स्पीकर बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का लगा लिया, स्टीरियो वही है नॉर्मल बजा रहे हैं, या फिर एम्पलीफायर चाइना लगा लेते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कंपोनेंट स्पीकर लगवा रहे हैं तो उसमें भी आपको आरएमएस चेक करना है, अगर कोएक्सल भी लगा रहे हैं तो आपको उसमें भी आरएमएस चेक करना है, और उसके बाद आपका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो कितने वॉट का स्पीकर आउटपुट थ्रो कर रहा है चारों डोर में वो आपको चेक करना है। तो कंपोनेंट स्पीकर को एंड्रॉइड स्टीरियो से मत बजाइए, क्योंकि ब्लॉपंग ही सबसे बड़ा ब्रांड है, इसलिए मैंने आज ब्लॉपंग को रखा है। ब्लॉपंग लास्ट आउटपुट दे पाएगा या तो 4x50 का 55 का देगा या तो फिर 4x60 का देगा, और ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 70 का दे दे या फिर 80 का दे दे, मैंने अभी तक के नहीं देखा। तो आपको अगर नॉर्मल स्पीकर बजाना है, नॉर्मल साउंड कार के अंदर चाहिए, तो आप अपने स्टीरियो का स्पीकर आउटपुट चेक कीजिए और उसके हिसाब से स्पीकर डलवा लीजिए उतने वॉट वाला आरएमएस का। अगर 50 है तो 50 वॉट का आरएमएस का स्पीकर डलवाएं, अगर 45 है तो 45 वॉट का आरएमएस वाला स्पीकर डलवाएं। लेकिन अगर आप कंपोनेंट ले रहे हैं तो एक बार आरएमएस को देखिए कितने वॉट का आरएमएस है, और उसके हिसाब से उसे एम्पलीफायर से बजाएं। देखिए कोएक्सल से ज्यादा पावरफुल है कंपोनेंट, और कंपोनेंट अगर एंड्रॉइड स्टीरियो से बजाओगे तो तेज बजेगा, बट 5000 वाले जैसा नहीं बजेगा। कोएक्सल से तेज बजेगा बट 5000 वाले जैसा नहीं बजेगा, एक्चुअल में जो इसकी पावर है उतना नहीं बजेगा। क्यों नहीं बजेगा? क्योंकि एंड्रॉइड स्टीरियो उतना पावर कंपोनेंट स्पीकर को दे ही नहीं पा रहा है। तो ये कंपोनेंट स्पीकर का फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं और इससे हेवी कंपोनेंट के ऊपर। तो अब यहां पर रखा हुआ है जेबीएल का एक और स्पीकर, और आप इसको देख के सोच रहे होंगे कि ये उससे ज्यादा हेवी है, बट ऐसा नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है 450 वॉट पीक पावर। मैंने अभी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी सीधी काम नहीं करती, एक वेव में काम करती है। जब इसे भी इंजीनियर्स ने टेस्ट किया होगा कि लास्ट ब्लास्ट इसने किया होगा 450 वॉट पीक पावर में। पीक पावर के ऊपर मत जाइए, आप इसके आरएमएस को देखिए, आरएमएस है 4x45। आप पीक पावर को मत देखें, आप देखें कि कितने आरएमएस वाला स्पीकर है। तो ये जो स्पीकर नजर आ रहा है ये है 45 वॉट आरएमएस वाला, ये जो है कंपोनेंट है। आपने जेबीएल का इससे पहले मैं कोएक्सल दिखाया था, वो भी 45 आरएमएस वाला स्पीकर था, बट वो जो है स्टीरियो से बच जाता अच्छा, लेकिन ये जो है कंपोनेंट है। आपको इसे अगर अच्छे से बजाना है ना, आप एक एम्पलीफायर लगाएं। अगर एक सेट लगाया है तो 2 चैनल लगाएं, अगर 2 सेट लगाया है तो 4 चैनल लगाएं। तो अब हमारे पास है पायोनियर का स्पीकर 300 वॉट मैक्स, इसमें भी सेम फंडा आपको चाहिए। आपको ये पता करना है कितने वॉट आरएमएस का स्पीकर है और कितने आउटपुट का आपका स्टीरियो है, चाहे ओईएम सिस्टम है। ये एंड्रॉइड स्टीरियो और स्पीकर की बात जो है क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जिनकी कार में ओईएम सिस्टम लगा हुआ है, मान लो सुजुकी स्विफ्ट है और 4 स्पीकर लगे हुए हैं और 1 ओईएम स्टीरियो लगा हुआ है जो बाय द फैक्ट्री आता है। अब आप सोच रहे हैं कि स्पीकर को वही रहने देता हूं, एंड्रॉइड डलवा लेता हूं, तो ये किसी काम की चीज नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीकर और इंफोटेनमेंट सिस्टम दोनों एकदम मस्त हैं आपके। अगर आपको साउंड को इंक्रीज करना है तो आपको दोनों को चेंज कराना होगा। इंक्रीज करना है तब की मैं बात कर रहा हूं, जबरदस्ती नहीं। तो आप क्या कीजिए, 4 चैनल का एक एम्पलीफायर लगवाइए। अगर हल्का सा इंक्रीज चाहिए, मतलब एक 8 इंची बूफर जैसा बेस ट्रेबल क्वालिटी झनकार अगर आपको चाहिए, तो आप क्या कीजिए, 4 चैनल एक एम्पलीफायर डलवाइए और 50 वॉट आरएमएस वाला कंपोनेंट स्पीकर डलवा लीजिए अपने चारों डोर में, और 60 वॉट आरएमएस वाला एक एम्पलीफायर लगवा ले अपनी कार के सीट के नीचे। अगर मान लो 10 कम हो गया, मान लो 50 आरएमएस वाला स्पीकर है और 50 आरएमएस वाला एम्पलीफायर है, फिर भी चल जाएगा, बच जाएगा अच्छे से। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ स्पीकर को बदलवा लेते हैं,
या कंपोनेंट डलवा लेते हैं, या किसी भी एक्सेसरीज डीलर के पास जाओगे तो आपको वो बोलेगा कि ये कंपोनेंट है, ये ज्यादा हेवी स्पीकर है, ये कोएक्सल है, ये उससे कम पावर वाला है। आप बोलोगे कोएक्सल में साउंड ज्यादा आएगी, वो बोलेगा साउंड ज्यादा आएगा, आप बोलोगे लगा दो। आपको तो एबीसीडी मालूम नहीं है, आप सोच रहे हैं कि कंपोनेंट लगा है यही अच्छा है, मगर कंपोनेंट अगर बगैर एम्पलीफायर के आप लोगों ने लगाया कोई भी कंपोनेंट हो तो वो जो है अपनी रियल पावर में नहीं बजने वाला। उसके लिए आपको एक एम्पलीफायर प्रॉपर आरएमएस को रीड करके लगाना ही होगा। और अब बात कर लेते हैं वायरिंग किट की। देखिए वायरिंग किट जो है ब्लॉपंग की भी अच्छी है, स्कॉचे की भी अच्छी है, जो मर्जी चाहे वो लगाओ, बट वायरिंग किट जो है प्रॉपर एक सिस्टम से वायरिंग होनी चाहिए और एक अच्छी वायरिंग डलवाना जरूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी वायरिंग होगी सारे जो कंपोनेंट है और जो एम्पलीफायर है और जो स्टीरियो है उसको पावर अच्छे से मिलेगा और वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आजकल आफ्टर मार्केट में बहुत सारी ऐसी लोकल वायर आ जा रही हैं जिनको डालकर एक साउंड क्वालिटी और ऐसी ही डिक्रीज कर दिया जा रहा है, तो वायरिंग का खास ख्याल रखना है। ब्लॉपंग है, स्कॉचे है, JBL की भी वायरिंग किट आती है, और भी बड़े बड़े ब्रांड है, इनकी खुद की एक वायरिंग किट चलती है, तो आप वायरिंग किट जो है एक ब्रांडेड लगवा लीजिए, आपका साउंड ऐसी बेहतर हो जाएगा। तो ये था बेस्ट ऑडियो सेटअप आपकी कार के अंदर के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।